ऑलराइट सो मैं थॉर लव एंड थंडर फाइनली लिख के आ गया। ऑल दो की मूवी के अराउंड कुछ ज्यादा हाइप बनी नहीं थी, लेकिन मेरा मन किया तो मैं जाके देख गया। सो ये भी थॉर लव एंड थंडर का एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है। सो बिना कोई स्पॉइलर की चिंता करें, पूरा एंड तक देखिए। ये साल मार्वल का जो एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी था, मेरे को एक्चुअली में कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि भाई बहुत रैंडम था ये लोग का और बहुत अजीब तरीके से किया है लोगों ने। डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम पे लोगों ने कुछ ज्यादा ही रिवील कर डाला, और थॉर लव एंड थंडर के टाइम पे भाई ट्रेलर टाइम पे नहीं था। एक चीज मैंने नोटिस की कि भाई अपने पता नहीं कि मेरे एरिया में या फिर बाकी कोई एरिया में भी ऐसा से प्रोवाइड पता नहीं, या फिर इंटरनेट पे भी एक्चुअली बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। ये जो एक्साइटमेंट रहती है ना कि मार्वल मूवी आने वाली है, भाई मार्वल की मूवी आने वाली है, इस बार वो नहीं थी। थॉर लव एंड थंडर ने ये हाइप बिल्कुल भी क्रिएट नहीं कर पाई। लाइक सो इस चीज का रेंट खत्म करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि भाई मूवी कैसे थी। जितने भी लोग ने अब तक जो मूवी नहीं देखी है, जो मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे लोग होंगे, तो भाई टेंशन मत लो, ये एक स्पॉइलर फिल्म रिव्यू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जस्ट इमेजिन कि तुम लोगों को मैं कोई एक अच्छा जोक सुनाता हूँ, तुम लोग को अच्छा लगता है, तुम लोग भाई हंस देते हो, तुम लोग बोलते हैं हाँ भाई क्या मस्त जोक मारे, मस्त मार। अगले पल तुम लोगों को मैं फिर से एक जोक सुनाता हूँ, थोड़ी देर के बाद फिर से जोक सुनाता हूँ, हर एक दो मिनट के बाद वापस बार बार जोक सुनाता हूँ। फिर तुम लोग ही बोलेंगे भाई बस कर, इतना नहीं होता है, ठीक है। तो सेम चीज हुई थॉर लव एंड थंडर के साथ कि ये मूवी है ना, अगर तुम लोग एक्सपेक्ट करके चलते हो भाई ये मूवी भाई बहुत खतरनाक हो एक्शन, ये कॉमेडी मूवी बन के रहेगी। टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा कॉमेडी हो गई। अगर तुम लोग को मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूँ कि ये मूवी कैसी है, तो मैं कहूँगा कि ये एक पॉपकॉर्न मूवी बन के रह गई। कि लाइक जो एक्सपेक्टेशन हम लोग ने रखी थी कि भाई क्या जो लेवल पे होगा, कि भाई यहाँ पे गॉड्स मर रहे हैं, ठीक है, ऐसे वैसे लोग नहीं है कि भाई यहाँ पे गॉड्स मर रहे हैं। ट्रेलर में भी हम लोग वही बताया कि भाई बड़े बड़े गॉड जितने भी थे सब लोग मर रहे हैं, भाई ये बंदा उसको छील दे रहा है। लेकिन मूवी देख के मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था, नहीं इसके वजह से नहीं कि भाई कि वो लोग ने एक्सपेक्टेशन रीच कर दिया या फिर लाइक बहुत अच्छी मूवी थी या नहीं, एक्चुअली में कुछ ज़्यादा ही कॉमेडी थी। लाइक सीरियस सीरियस सिचुएशन है वहाँ पे, तुम लोग जैसे जोक क्रैक कर रहे हो तो लाइक देखो जोक बहुत सारी जगह पे जोक बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है, भाई तुम लोग जेन्युइनली बहुत ज़्यादा लाभ आएगा। लेकिन पूरे टाइम एक्चुअली में थिएटर हंसी रहा था, ठीक है। रही बात गॉड द गॉड पिक्चर की, डायरेक्टर एक्टर्स और सब लोग ने, क्रू वालों ने बताया था कि लाइक जो विलन है ये बहुत ज्यादा आइकॉनिक और सबसे ज्यादा खतरनाक विलन होने वाला है। मैं कहूंगा फील नहीं हुआ, विलन एक्चुअली बहुत ज्यादा बेटर, बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था, लेकिन राइटिंग बहुत गंदी थी। अगर जो ये मूवी के विलन को किसी ने बचाया है तो वो है क्रिश्चियन बेल की एक्टिंग। भाई ये बंदे की एक्टिंग भाई फाड़ देता है ये बंदा, ठीक है। एक भी जगह पे तुम लोग ऐसी नहीं लगी कि भाई इसकी एक्टिंग कुछ अलग सी लग रही है, मजा नहीं आ रहा है। भाई उसका जब पहला लुक देखा ना मैंने, तो मेरे को लगा ही नहीं कि क्रिश्चियन बेल है। जब जब भी गॉड द गॉड जरा कैरेक्टर जब भी स्क्रीन पे आता है, भाई कसम से तुम लोग किसी और को देखना मन नहीं करेगा, तुम्हारा मन करेगा भाई इसको और दिखाओ। भाई इसका कैरेक्टर इतना अच्छा था, कैरेक्टर राइटिंग नहीं कैरेक्टर, क्योंकि भाई इसको क्रिश्चियन बेल ने इतने अच्छे तरीके से इतने परफेक्शन से उसको प्ले किया था ना, भाई लाजवाब था। लेकिन उसी में ना मार खा जाती है उसकी राइटिंग, उसका राइटिंग बहुत ज्यादा गंदा था और बहुत ज्यादा गंदा था, आई मीन सच में कि बहुत लेजी राइटिंग था इस बार का। फर्स्ट थिंग जो तुम लोग मूवी स्टार्ट होने में नोटिस करोगे कि भाई इसका पेस बहुत ज्यादा फास्ट है। टू बी ऑनेस्ट ये मूवी एक टाइप का एक मास्टरपीस बन सकती थी अगर जिस विलन का कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से राइट किया गया था। मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये मूवी में बहुत सारे सीन कट कर दिए गए थे। रही बात एक्शन की, तो भाई मूवी में बहुत अच्छा एक्शन है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा एक्शन है। डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद मेरा एक्सपेक्टेशन मर चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने देखा भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा, एक्शन बहुत अच्छे थे और एक दो सीनस एक्शन वाले जो लाइक लिजिटली बहुत ज्यादा सही लग रहे देखने में, और भाई VFX टीम ने भाई बहुत खतरनाक काम किया। अगर मूवी की मेन चीज की बात करूँ तो भाई मूवी का कलर टोन भाई बहुत ज्यादा लाइट था। खाली कलर टोन की बात नहीं, एक बात कैरेक्टर्स के लाइक जो जोक्स थे डायलॉग्स थे वो भी भाई बहुत ज्यादा लाइट थी। और ये जितना भी लाइट टोननेस है ना, ये एक्चुअली में गौर के कैरेक्टर के साथ मैच नहीं करता। गौर का जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा डार्क है, लाइक लिजिटली बहुत ज्यादा डार्क उसका स्टोरी लाइन है, लेकिन ये लोग ने भाई उस तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं किया, लाइक ब्लेंड नहीं कर पाया लोग ने। ये मूवी देखने के बाद मुझे कुछ एक बड़ा सा लाइक बोलते ना मूवी में ऐसा कोई सीन मेरे को लगा नहीं कि भाई हाँ ये सीन एपिक था। एग्जाम्पल के लिए इन्फिनिटी वॉर में जब थॉर की एंट्रेंस होती है, भाई वो वाला सीन भाई बहुत ज्यादा खतरनाक, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि भाई वो थॉर का वन ऑफ द बेस्ट सीन है। और लाइक वैसा वाला कुछ फील नहीं है। टू बी ऑनेस्ट पता नहीं टाइगर वाटी ने क्यों ऐसा किया। देखो टू बी ऑनेस्ट देखने जाओ ना, अगर मेरे को पर्सनली पूछूं तो थॉर की रैग्नारॉक वाली मूवी अभी तक की सबसे बेस्ट है।
लाइक ये मूवी को भी रैग्नारॉक के जैसा बनाने का ट्राई किया, लेकिन बहुत ज्यादा हो गया, ओवर हो गया, और उस चक्कर में भाई मूवी हट गई। सिंपल से कहना चाहूंगा, अभी अगर तुम लोग अभी कंफ्यूज हो कि भाई तुम लोग मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, मैं कहूंगा कि लाइक तुम लोग एक पॉपकॉर्न मूवी देखनी है कि भाई तुम लोग का दिन स्ट्रेस्ड है पूरा, भाई दिमाग खराब हो चुका है, तुम लोग अकेले हो यार, तुम लोग को लाइक कुछ लाइक लाइट हार्टेडनेस चाहिए देखने में, ठीक है कि भाई हाँ जाके मजे करके वापस आ जाऊँ और स्टोरी बुझाऊँ, तो ये मूवी भाई परफेक्ट है। लेकिन अगर तुम लोग ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करके चलते हो कि भाई बहुत खतरनाक स्टोरी लाइन हम लोग को देखने मिलेगी या फिर लाइक बहुत डेंजरस विलन देखने मिलेगा, डिसअपॉइंट हो गए तुम लोग, मैं कहूँगा नहीं। तो इसी नोट के साथ खत्म करते आज की वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुम लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, मजा आया, तो वीडियो को लाइक मार दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर नए हो तो तब तक के लिए बाय बाय। बादाम है दादा का चाह बादाम, आमा गाचे नाइको बुबू भजा बादाम, आमा गाचे पावे सुदू काचा बादाम, तुड़ा हाथे बाला ताके जो भी सिटी बोले चल दिए।